मध्य प्रदेश के बहोरीबंद रीठी विधानसभा क्षेत्र 94 में कांग्रेस की टिकट घोषित होने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच खलबली मच गई है। विधानसभा चुनाव 2023 के विधानसभा बहोरीबंद रीठी क्रमांक 94 से कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर सौरभ सिंह को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी का नाम घोषित होते ही शेष उम्मीदवारों का टिकट कट गया है, जिसके कारण से अब वही कांग्रेसी टिकट के दावेदार विरोध पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी क्षेत्रीय प्रत्याशी को उम्मीदवार घोषित नहीं करती है तो हम कांग्रेस पार्टी का खुलकर विरोध करेंगे। इससे साफ नजर आता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता पार्टी का विरोध करने पर उतारू हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा खामियाजा झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर आर के यादव, जिला पंचायत सदस्य राकेश पटेल एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चाहता हूँ पूरे बोरीवन विधानसभा से एक पुकार चल रही थी, बहुत पहले से संघर्ष भी कर रहे थे, मांग भी कर रहे थे कि बोरीवन की मजबूरी है, क्षेत्रीय प्रत्याशी जरूरी है। कहने के लिए तो आज़ादी हो गई, देश में आज़ादी हो गई, लेकिन हमारे बोरीवन को बंद मुट्ठी की तरह बाहर से आके हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकल को किसी को आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, ना पार्टियां टिकट देती हैं। वोट हमारी है, राज वो लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे कांग्रेस ने अभी लिस्ट जारी की, पिछड़े वर्ग की बात तो करती है जातिवार जनगणना की, लेकिन आज जातिवार जनगणना की बात करने वाली पार्टी, जो सम्माननीय राहुल गांधी जी पूछ रहे थे कि मीडिया के कितने लोग हैं यहाँ, संसद में कितने लोग हैं यहाँ, सचिव कितने लोग हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि खजुराहो लोकसभा में, कटनी में एक भी ओबीसी कैंडिडेट नहीं, पन्ना जिले में एक भी ओबीसी कैंडिडेट नहीं, पूरे खजुराहो लोकसभा में एक भी ओबीसी कैंडिडेट नहीं है। अगर स्थानीय नेतृत्व को मौका पार्टियां नहीं देती हैं, पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं देती है, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जनचेतना यात्रा चली थी उसका असर है। हम आने वाले टाइम पर अपने क्षेत्र वालों को मौका देंगे और उनको हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। पार्टी में व्यक्ति महत्व नहीं होता है, ना पार्टी, पार्टी व्यक्तियों से बनी है, पार्टी से व्यक्ति नहीं बना है, स्पष्ट कहना है पूरे क्षेत्र वालों का।